मेरा नाम निशा है, बेंगलुरु में छूँ। मैं फिश का, फिश टैंक का जाल का जैसा घर में सीती रह छूँ। मेरे दो बच्चे ही, हमारे यजमान ऑटो ड्राइवर का काम कर रही। पहले तो बहुत प्रॉब्लम था, बीमारियाँ भी थे और आपको पैसा का भी प्रॉब्लम था। कैसा हमें ये ट्रेविंग करना करने के बारे में मालूम नहीं था। कितना भी लाखों दिए तो पूरा खर्च कर डालते थे हमें, वो खर्च करने से हमें क्या भी बेनिफिट नहीं मिलता था। हम हमारे फ्रेंड्स जबीना ताज, यास्मीन, दो जने भी फ्रेंड्स हमारे, i4 के बारे में हमारे जबीना ताज उन्हों बताए थे, जिसमें जमने से तुम्हारा सेविंग का भी होता है दीदी करको उन्होंने बोले। वो होंदे हम जमते ही हमें उसमें करको बोलने में जमा लिए। पहले में बहुत वाखा था रहता है, मतलब वो कैसा पैसा बचाना मालूम नहीं था। अब इसमें जमने के बाद पैसा ऐसा बचाना है करने का वो रास्ता हमारा दिखाए। और आपको हेल्थ का पहले ज्यादा बीमारियां आते थे, अब वो नहीं है। उसमें हमें वो पैसा भी हम ना बच रहे। मम्मी का आंखी का वो फुल ब्लैक हो गया था आंखी, उधर जमने से उन्होंने ब्लालक जाकर उधर ऑपरेशन करे थे। जबीना सुनंग இந்த சங்கத்தில் சேர்ந்துங்க, நல்லதாவது எது ஒன்றும் அப்படின்னு அதனால் சேர்ந்தோம். இப்போ எனக்கு கண்ணுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணாங்க, நல்லதே நடக்குது எனக்கு. இது நம்ம மின்சரு இல்லை ஷாப்பில் சேருவரு இல்லை சங்கத்துக்கு சேர்ந்துட்டு அதுமேல அவரு நம்ம மற்ற கருக்கோ வந்து இல்லை தோர்ஸ்ரு. ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு ஆப்ரேஷன் மாதிரி கிளீனாகி அவருக்கு அவர் வாசி ஆதமேலே நானும் ஒப்புக்கொண்டேன். ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಇವು ಬೇಡ ಬೇಡ, ದುಡ್ಡಿದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಚೆಕಪ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇ ಆಟೋಕ್ಕೂ ಜಾದಾ ನೈ ಜಾತೆ ಥೆ ಹಂಕಿ ಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಹನೆ ಸೆ ವಾರಂ ಮೇ ದೋ ದಿನ ತೀನ್ ದಿನ ಒತ್ತಾ ಜಾತೆ, ಅಬ್ ವಾರಂ ಭರ್ ಜಾತೆ, ಏಕ್ ದಿನ ಛುಟ್ಟಿ ಲೆ ಲೇತೆ ಇವನು. हम ना जमने से क्या एक भी छोटा मोटा हम ना ये होने से हमें हंजा को दिखाती अच्छा छोरा है। और आपको हमारे घर का भी हमें पाक साफ रखने का सब हमें अच्छा ये कर ले रही, पाक साफ रखने का सब उन्होंने बोल को देने से हमें अब अच्छे ही बच्चे भी क्या एक भी बीमारी नहीं क्या भी नहीं, उनको भी अच्छा है अब हम आराम से ही अब